हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निशी जॉम। आज मैं आपको, देखिए ये जीन्स वाली स्वेटर है, इसकी मेजरमेंट बताऊंगी। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, कितना प्यारा डिज़ाइन है। आज मैं इसकी मेजरमेंट आपको बताऊंगी कि ये कितना मैंने लेंथ लिया है, कितना बॉडी लिया है, कितना बॉर्डर लिया है। तो देखिए ये जो हमारी स्वेटर है उसकी लेंथ जो है, ये हमारी लेंथ है 29 इंच, और इसकी जो बॉडी है वो है 18 इंच। जो हमारा गला है घटा हुआ जहाँ से है वहाँ से गले की लेंथ है 8.5, और बाजू की जो लेंथ है वो है 8.5, दोनों 8.5 पे घटा हुआ है। ये जो हमारे गले की जो बॉर्डर बनाई हुई है वो है 1 इंच, और ये भी बाजू की जो है 1 इंच 1 सेंटीमीटर, और ये भी जो है 1 इंच 1 सेंटीमीटर है। ये जो हमारा बॉर्डर बना हुआ है उसकी लंबाई है 3 इंच। ये जो हमने बॉर्डर में घर बन लिया है, ये हमने 100 फंदे लिए हैं, और ऊपर जा कर के हमने बॉर्डर ख़त्म करने के बाद 20 फंदे हमने बढ़ा दिए हैं। तो टोटल ये जो हमारा बॉडी है 120 फंदों से बना हुआ है। ये जो हमने गला घटाया है यहाँ पे, उसका जो ये जो गला हमने उठा करके बनाया है गला घटाने के बाद, इसकी सिलाई जो है 238, यानी कि 238 मैंने लिया है। और ये जो हमारी बाजू वाली जो है पोर्शन वो मैंने लिया है 170। ये टोटल जो हमारा उठा करके बनाया हुआ घर है वो हमने 170 लिया है। तो ये स्वेटर जो है, जिनको अगर 40-42 तक की जो क्लॉथ आती है, या फिर 38, 40 और 42, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, तो 38 से लेकर के 42 तक के जो कपड़े पहनते हैं उनको ये आराम से फिट आ जाएगी। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आप किस प्रकार से स्वेटर बना सकते हैं, कितने फंदे लेकर के बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।